तो देखे यहाँ का क्या तेज बारिश हो रहा है, मौसम एकदम किरकिरा हो जाता है ऐसे बारिश होने से। हाँ, सुबह में हो रहा था पूरा धूप। यह बड़ा देखिए, छोटा भाई बैठा, देखिए देखिए बोल रहा है, स्पेलिंग जहाँ गलती कर रहा था ए करके बता रहा है। छोटा भाई बड़ा भाई को पढ़ा। वेलकम बैक टू आवर चैनल सुनील प्लस रीना ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ देखिए पापा और बेटा का मस्ती, ये लड़ाई हो रही है कुरकुरे के लिए। खोजो खोजो, जिसको मिलेगा उसका होगा। थोड़ा बंद कीजिए ना, अरे वाह दिखा। और बाहर का मौसम है बड़ा मस्त, बहुत पानी बरस रहा है, मस्त भी लग रहा है, बरसात में आ गए, खराब भी अच्छा भी जो बोलिए, सिक्किम का मौसम यही रहता है, बहुत खराब बहुत खराब। समर का फील ही नहीं होगा, बारिश। बैक कैमरा से दिखाते हैं बारिश, तो देखे यहाँ का क्या तेज बारिश हो रहा है, मौसम एकदम किरकिरा हो जाता है ऐसे बारिश होने से। हाँ, सुबह में हो रहा था पूरा धूप, बहुत ज़्यादा भी धूप नहीं था लेकिन फिर भी ठीक ही था, और अभी हो गया बारिश। और ये बारिश का मौसम में कुछ ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। चिकन बने, चिकन तो बन ही चुका है। ए सानू, उर्जा उर्जा, आज तो पता नहीं मुझे ये तंग करेगा क्योंकि चलेगा, चलो दिन में थोड़ा सो लिया है ये मजे से, पता नहीं रात में सोएगा कि नहीं। और यहाँ रिशु खा रहे हैं क्या, तुड़तुड़े तुड़तुड़े कुरकुरे, एक तो हमको भी टेस्ट, पास्ता कुरकुरे अच्छा है, तो टेस्ट अच्छा है। सानू भी खाएगा कुरकुरे। सानू को देखिए, टोपी पहना है तो खोल दिया, ठंड बहुत है, और मोजा पहना हुआ है, गर्मी में भी ठंड बहुत है यहाँ पे, ऊपर से सब कपड़ा भी आ गया जो कि कम्बल सूख गया है, लेकिन इसका कोरी नहीं सूखा है ना, कपड़ा बाकी है, बॉर्डर अभी नहीं सूखा है, कपड़ा सरियाना है। बाप रे बाप। और आज नाश्ता बना रहे हैं, आटा और आलू से कुछ डिफरेंट नाश्ता बना रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, और यहाँ आप लोग मस्ती करते रहिए पापा और बेटा के बीच। चलो, पहली बार रिशु शेयर किया कुछ, वो भी आधा खा के दिया है, चाट चूट के दिया होगा ना, ये सब गंदा आदत है रिशु, पूरा देना चाहिए ना। कल स्कूल बाड़ू, कल स्कूल, सानू तुमको भी भेज दे सानू बस में मनोरंजन के लिए, बैठा शांति से, टीवी ही खोलता है। हाँ, टीवी लगा देंगे, मजे से देखेगा टीवी। आ हीरो नेताजी, ऊपर ऊपर मम्मी, नेताजी झुरझुरा गया एकदम, बुखार और सर्दी से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मेरा आटा सा गूंद के मैं रेडी रखी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये येल्लो कैसे है, ये येल्लो इसीलिए है क्योंकि इसमें हल्दी डाली हूँ, वरना बेसन तो है नहीं। ये आटा तो मैं आप लोग को दिखाई थी, जिसके जिसमें धनिया पत्ता और सूजी थोड़ा सा डालकर इसको, और मंगरेला अजवाइन नमक थोड़ा सा मोयम डाल के इसको सानी हूँ, जिससे कि थोड़ा कुरकुरा बने। और इसमें ये जाएगा स्टफिंग आलू का, आ रहे। और आलू में मैं ऐसे बहुत कुछ चीज़ मिक्स की हूँ, आप लोग देखकर अंदाज़ा लगाइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसमें मैं क्या क्या डाली हूँ। और ये है आटे का घोल, ये बेसन नहीं है फ्रेंड, ये आटा ही है, आटा और सूजी का घोल है, जो मैं सानने के पहले थोड़ा सा इसमें ऐधर निकाल कर इसको घोल बना ली थी, पतला घोल है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। और इधर मैं कढ़ाई बैठाई हूँ लो फ्लेम में, तो मैं चली इसको बनाने फटाफट से नाश्ता बनाने, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में। क्या उल्टी किया, इसमें है ना रफ कपड़ा, ओ पलट गया इसीलिए, अभी दूध पिया था ना।
तो देखे उधर रिशु भी मोबाइल में बिजी है और इधर शानू खेल रहा है। वह शानू हीरो तो फ्रेंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे। तो फ्रेंड देखिए इसमें मैं आलू स्टफिंग कर दी हूँ, बेल दी पहले गोल, उसके बाद फिर ये आलू को स्प्रेड कर दी इस पे और फिर इसको रोल कर दी। अब इसको पीस पीस काटूंगी और थोड़ा टैप टैप करूंगी, उसके बाद फिर इसमें तलूंगी कम फ्लेम में, लो फ्लेम में मतलब नहीं, मतलब इसमें डिप करके फिर तलूंगी। ये मैं आटे का, चाहो तो आप बेसन में भी बना सकते हो, लेकिन मैं आटे का इसीलिए बना रही हूँ ताकि हेल्दी हो, और बच्चों लोग के लिए हेल्दी बहुत अच्छा होता है, आटा ही बहुत अच्छा होता है। आटा बेसन भी अच्छा होता है बट आटा ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैं इसी के लिए आटे का मैं बना रही हूँ, जो कि बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं आप। तो फ्रेंड देखिए मैं इस तरह से पीस पीस काट ली और हथेली के सहारे से इसको टैप टैप कर ली हूँ, और अब इसमें डिप करके इसमें तलूँगी। तो आप लोग में से किस किस को खाना है तो आप लोग भी आ जाइए। तो फ्रेंड देखिए ये मेरा तल रहा है, और यहाँ दो दो जन बैठे हैं नाश्ता के लिए, एक है वहाँ जो सो के टीवी मोबाइल देख रहा है, और एक है यहाँ जो बच्चे खिला रहे हैं और मेरे सानू को देखिए क्या मस्त, ये भी एक ड्यूटी है फ्रेंड। हाँ ये सबसे बड़ा ड्यूटी है, सबसे बड़ा ड्यूटी, बच्चा कोई संभाल ले तो फटाफट काम हो जाता है। बहुत बड़ा ड्यूटी है जो करते रहते हैं। हाँ ये तो बात है, चारा बाहर से भी ड्यूटी, घर से भी ड्यूटी, अब कल से निश्चिंत रहिएगा कल से कोई ड्यूटी नहीं, सिर्फ ड्यूटी का ड्यूटी। तो मैं चलिए अपने पति जी को नाश्ता देने लिए, बच्चे खिलाया हो गया, बहुत देर से खिला रहे बच्चे को, तुमको तो बोले आओ खाओ तो नहीं मुझे पसंद नहीं है, तो तुमको पसंद क्या है, पड़ गया खाली कुरकुरे चिप्स। नाश्ता कर लिए, खा के बताइए कैसा लगा, कैसा लगा आटे का सुपर हिट नाश्ता, हेल्दी प्रोटीन है ना शानू, गरम है अभी, है देखो शानू को देखिए ना एकदम स्टैचू हो गया है, स्टैचू मारेंगे तुमको, बहुत मारेंगे। खाली मम्मी पापा को पसंद है, मम्मी पापा को खाली, तो क्या करेगा बेचारा, घर में कोई है नहीं इसीलिए ना, और छोटा था तो किसको पहचानता था, खाली दादू को, मम्मी पापा को तो भूल ही जाता था, लगता था कि हम लोग चूटी काट देते हैं, दादू गोदी खाली, और खाली दादू गोदी रहता था, है ना सानू। अच्छा आ रहे हैं दादू, वेट करो, काम धाम तो कुछ है नहीं, और रुको हम देखते हैं क्या क्या होमवर्क है, कैसा लगा, अच्छा है, अच्छा है, पिज्जा अच्छा लग रहा है, लगा पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा दीजिए दीजिए पिज्जा, पूरा टेस्ट होता है पिज्जा वाला टेस्ट है। तो चले हम मिनी पिज्जा, तो चले हम भी चार ठो खा के चाय पीने, ओए चाय ऊपर आ गया पूरा चाय, अरे चाय चाय हो रहा है, डांस कर रहा है, चाय ला देखे खाने के बाद ना, पानी नहीं पीजिएगा थोड़ा देर में। ये रहा अदरक वाला चाय, और यहाँ रहा सानू, दूध पीने के बाद भी देखिए ना ठीक से रखो कॉपी किताब, अरे फटेगा ना वैसे, मोबाइल चला रहे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं बाबू को देख के, रीना जी को आज फॉरनर बन गया है बाल लाल करके बाल कलर किया है रेड हो गया है, वो कलर एक्चुअली मेरा है लेकिन इनका वाला था नहीं इसीलिए हम अपना वाला लगा दिए हैं, अरे से धीरे रखो ना,
तो देखिए यूकेजी में है और बुक सब देखिए कितना है, कॉपी और बुक मिला के। इरेजर शार्पनर भी लाना ना, देखते हैं। रिशु का हो गया नाश्ता करने के बाद पढ़ाई स्टार्ट। और ये है नेपाली जो कि ये लिख रहा है, छलगम और चक चक दो तो और बुक सब। अरे सानू हीरो मेरा, कहाँ भागेगा कहाँ भागेगा, अरे बाप रे बाप, तक्के हटा दे तो भागेगा एकदम आगे। देखना देखना, ये देखो ये देखो, पूरा खा सकता है। देखिए छोटा भाई बड़ा भाई को पढ़ा रहा है, ये है छोटा ये है बड़ा। देखिए छोटा भाई बैठा, देखिए देखिए बोल रहा है, स्पेलिंग जहाँ गलती करा था एक करके बता रहा है। छोटा भाई बड़ा भाई को पढ़ा रहा है और मम्मी जी देख रहे हैं। गलती जहाँ कर रहा था तुरंत टोक रहा है बाबू। तो फ्रेंड हमारा वीडियो आपने देखा, आगे जो शाम का नाश्ता रीना जी बनाए थे कैसा है जरूर बताइएगा। और अब वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए रखते हैं फ्रेंड, आप सभी को मेरे तरफ से बाय।